आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जमुई जिला के झाझा थाना क्षेत्र की घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया सड़क जाम। झाझा खेत में काम करने के दौरान दो किसानों को करंट लग गया, जिसमें एक किसान की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा किसान गंभीर रूप से घायल है और दोनों किसान रिश्ते में चाचा भतीजा हैं। वहीं घायल किसान को, जिसको लोगों की मदद से इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत एकडारा के पास की है। जानकारी के अनुसार खेत में कालेश्वर मंडल अपने चाचा बिकन मंडल के साथ खेत में काम कर रहा था, तभी कालेश्वर मंडल खेत में गड़ा हुआ 11,000 वोल्ट के पोल में अर्थिंग की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं करंट लगते देख अपने भतीजे को बचाने के लिए गए भीकन मंडल की भी करंट लगने के चपेट में आकर बुरी तरह से घायल हो गया। ग्रामीणों ने घटना के बाद बिजली विभाग की लापरवाही की बातें सामने लाते हुए बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया, सड़क जाम कर दी और मुआवजे की मांग की है। इधर घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही मौके स्थल पर थानाध्यक्ष राजेश शरण दलबल के साथ मौके स्थल पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर ही भारी पड़ रहा था। वहीं घटना के बाद मृतक की पत्नी गोदवारी देवी और उनके पुत्र का रो रोकर बुरा हाल है। मृतक का बड़ा पुत्र बाजार में सब्जी बेचने का काम करता है। थानाध्यक्ष के द्वारा ग्रामीणों को काफी समझाने के बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया, जिसके बाद सड़क जाम में फंसे दर्जनों वाहन का परिचालन मुख्य मार्ग पर शुरू हुआ। चर व्यवस्था है, बिजली विभाग लगातार जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर के पीछे भागता है। अरे पहले स्मार्ट तार बनाइए जिससे गरीब का जान बच सके, यहाँ तारे नहीं बिछ रही है सही से और गरीब का जान जा रहा है। दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का कि बिजली विभाग लगातार, आज यही एक नहीं कई ऐसे मासूम बच्चे मरे हैं। इसी पंचायत के अंदर एक बच्ची की भी मौत हुई, उसके बाद कई मवेशी की मौत हो जाती है और उसके बाद जो है आज किसी गरीब का घर उजड़ गया, उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, आखिर उनका जीवन कैसे चलेगा। ये बिजली विभाग का बहुत घोर अनियमितता है, लापरवाही है। हम आप चौथे स्तंभ से मांग करते हैं कि शीघ्र उनसे इस गरीब परिवार के लिए मुआवजा दे और जो भी दोषी कर्मचारी इसमें है संलिप्त और उस पर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है। घर परिवार उजड़ गया है और किसी घर परिवार का आदमी चला जाता है, उसका गार्जियन चला जाता है, तो उस घर पर क्या बीतती है ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। कोई नहीं आए हैं, दुर्भाग्य है क्षेत्र कोई नहीं आया, जबकि यहाँ के लोग फोन भी किए उसके बावजूद भी नहीं आए। और हमें जब सूचना मिली अभी से आधा घंटा पहले, हम सिमरतल्ला में थे और 25 मिनट के अंदर बिजली बगल में है, वो नहीं आ पाए। अभी तक कितने देर हो गई है आपका रोड जाम? ये लगभग 30 से 35 मिनट हो चुकी है, एक घंटा के लगभग, एक घंटा के करीब हो गई है, 30 मिनट से है, एक घंटा मुश्किल होता होगा, मुश्किल से एक घंटा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे ट्रांसफार्मर के थोड़ा सा बीच खेत में है, पड़ता भैया और उसी में ट्रैक्टर जोत रहा था तो हम लोग मूरी उखाड़ रहे थे तो देखें कि ट्रैक्टर वाला मार दिया। तो जब वहाँ जाते हैं तो ट्रैक्टर वाला गाड़ी बोलता है कि नहीं बिजली का करंट आ गया पोल में, ताना में, पोल का जो ताना होता है सर उसमें करंट आ गया। एक आदमी जो छुड़ाने के लिए तब तक वो दूर से उसको टांग लिया, अब जब हम लोग दूसरे आदमी गए तो हम लोग भी टांग रहा था जो कि लाठी से उसको छुड़ा, तो भी वहीं मर गया, सटले मर गया सर। ये क्या कर रहे थे? वही खेत द्वारा थे, पहले इसी को मारा इसको। तो जो मरे उनको वो क्या कर रहे थे? उसको छुड़ाने के लिए जा रहे थे, जो मरे वो बचाने के लिए जा रहे थे। हाँ, इसको बिजली का करंट जो है झटका मारा, कुछ आगे गिर गया। जो मरे हैं उनका नाम क्या था? मंडल जो मरा नहीं, जो घायल है उनका नाम क्या? जो मरा उसका भतीजा प्रदीप कुमार। मृतक के कौन लगते हैं आप? बेटा। कैसे, क्या घटना घटी है? करंट मार दिया। कैसे करंट लगी? हम तो बाजार में सब्जी बेच रहे थे, फोन किया है, कहा कि मतलब करंट मार दिया था, दूर आए मतलब खेत में, मतलब खेत में काम कर रहा था उसे मतलब जो मार दिया। और इनकी आपकी मम्मी का क्या नाम है? गोदावरी देवी। कितने बच्चे हैं इनका? 3 हुआ, 3 लड़की है, एक हमें लगा। और तो आप बड़े हैं? बड़े हैं। लड़की मतलब लड़की का कितने उम्र के हैं? लड़की का उम्र है 12 साल है, 10 साल है, 8 साल का। 3 बच्ची और एक पुत्र है मृतक का। हाँ, सूचना मिली थी कि एक डारा गांव में ये बिजली करंट से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक आदमी घायल है।
जो घायल हैं उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और वहाँ पे हमारे पदाधिकारी हैं, नज़र रखे हैं, इलाज करवा रहे हैं। और हम लोग की कोशिश है कि अगर यहाँ पे स्थिति नियंत्रित हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनको अगर रेफर करने की ज़रूरत है तो उसी पर रेफर करा कर बेहतर इलाज के लिए भेजा जाए। और जिनका डेथ हुआ है वो उनकी प्रक्रिया चल रही है, वो आप देख रहे हैं कि पुलिस पदाधिकारी लगे हुए हैं और हम लोग पुलिस स्तर से जो भी होगा वो कोशिश करेंगे कि इसमें जितना भी जो भी प्रावधान के अनुसार मुआवजा का बिजली करंट वाला में है वो बिजली विभाग के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर इस परिवार के राहत के लिए मुआवजा दिलवाए। सर लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं बिजली विभाग के अधिकारियों की, लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारी आने को तैयार नहीं है। नहीं, मेरी भी बातें हुई है, वो SDM साहब से बात हुई है और SDM साहब बिजली विभाग के पदाधिकारी से संपर्क में हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनसे बातें हो गई है और नियमानुसार जो भी मुआवजा है वो पदाधिकारी देंगे, क्योंकि वो सभी वो लगता है कि सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो कहीं दूर हैं तो जल्दी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो भी पहुँचे। सर लेकिन इस तरह की बातें जिस तरह आपने अभी तुरंत आपने संज्ञान लिया और तुरंत जानकारी मिलने के बाद आप स्पॉट पे पहुंचे, तो फिर सर बिजली विभाग के अधिकारी क्यों आने के लिए तैयार नहीं है सर? उस तरह में तो लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नहीं आना चाहिए वो, क्योंकि उनका भी क्षेत्र है और उनकी भी जिम्मेवारी है, तो हो सकता है कि हम इस पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। वो हो सकता है कहीं दूर में रहे हो, वो तुरंत पहुँचने की स्थिति में नहीं हो, बाद में सर आप लोग समन्वय स्थापित करेंगे। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।